हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन एडुकेशनिस्ट। आज का एक टॉपिक है जो सोशल इशू से रिलेटेड है, काफ़ी सेंसिटिव सोशल इशू है और काफ़ी प्रचलित भी है। तो इस सोशल इशू के ऊपर जनरली ये मेरी स्ट्रीम है ही नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन एडुकेशनिस्ट इस टॉपिक पे अब हमारा व्यू और आपका व्यू जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको क्या इस सोसाइटी में चाहिए उसके लिए आप क्या कर रहे हो, और हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए एक बेहतर सोसाइटी भी और पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए। ये पर्पस है इस वीडियो, इस टॉपिक को कवर करने का इस वीडियो में। तो आई होप आप ये वीडियो पूरा देखेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आखिर हमारा रोल है क्या सोसाइटी में, और हम आखिर कर क्या रहे हैं, हमें किस तरीके की सोसाइटी चाहिए हमारी इंडियन कम्युनिटी में या इंडिया में, और हम एक्चुअल में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आने वाली जनरेशन को, किस तरीके की सोसाइटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे जानना और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो मुझे नहीं लगता इसे इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत है आपको। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आप सबको पता ही होगा, बट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो उनमें से एक डिसएडवांटेजेस जो आज की डेट में काफ़ी प्रचलित है वो है हेट मॉन्गर्स इन सोशल मीडिया। मतलब ये लोग एक पर्सन या रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ हेट भरी स्पीच प्रोवाइड करते हैं और उकसाने की कोशिश करते हैं हमारी कम्युनिटी को, ताकि हम उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकें, और ये एक रेडिकलाइजेशन क्रिएट कर सके। तो आखिर ये प्रॉब्लम से निपटा कैसा जाए, इन प्रॉब्लम्स में गवर्नमेंट का क्या रोल है, इन प्लेटफॉर्म ने क्या रोल प्ले किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हम आगे हमारे वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक के देखना, कोशिश करना कि आप इसकी सेंसिटिविटी को समझ सकें। आई होप आप पूरा देखें। रोल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मकसद लोगों को जोड़े रखने का था, आज कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म की मदद से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें इन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि ऐसे न्यूसेंस को रोका जाए। ऐसा नहीं है ये कर नहीं रहे, लेकिन नफ़रत फैलाने वालों की तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि सिर्फ फेसबुक में अप्रैल 2022 में 82% हेट स्पीचेस बढ़ी हुई है। लगभग 20% यूज़र ने रिपोर्ट भी किया है FB में, पर एक रिपोर्ट में आया है कि इन जितने भी हेट स्पीचेस हैं उसमें 16% स्पीचेस होती हैं जो फॉल्स होती हैं, झूठ होती हैं। मतलब आपको झूठ भी परोसा जाता है। इन सारे प्लेटफॉर्म के कंज्यूमर्स हम हैं, हमें डराया जाता है ऐसे पोस्ट से, इस्लामोफोबिया से या हिंदूफोबिया के नाम से। हमें डिसाइड करना है कि हम क्या कंज्यूम करेंगे, नफ़रत या अमन, हैट्रेड और पीस। रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक डाइवर्सिफाइड देश है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने की छूट दी हुई है। ऐसे में गवर्नमेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशल हो जाता है, पर जब गवर्नमेंट ही पार्शल बिहेवियर शो करे तो क्या कर सकते हैं। इस गवर्नमेंट के एक्शन अंडर स्क्रूटनी है हेट स्पीचेस को लेकर के। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एक्शन ले सकता है, पर हमारी गवर्नमेंट नहीं। ये तो इनडायरेक्टली प्रोत्साहन करना ही हुआ। BBC न्यूज़ ने तो यहाँ तक के कह दिया कि हेट स्पीच देकर भी लोग आसानी से घूम सकते हैं भारत में। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे हेट स्पीचेस हमें परोसा जाता है हर दिन, और हम डर कर या सेल्फ एस्टीम बचाने के लिए या धर्म और मजहब को बचाने के लिए सोसाइटी को गंदा कर देते हैं शेयर करके। एक बार भी नहीं सोचते कि कितना झूठ और कितना सच, और जाने अनजाने हम भी हेट फैलाने की कैटेगरी में एंट्री पा लेते हैं। हम हमारे बरसों के रिलेशन दोस्ती को ताक में रख कर एक बार भी नहीं सोचते कि इस हेट स्पीच से हमारे रिश्ते और दोस्ती में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं देश के प्रति? कब निभाएंगे हम अपनी जिम्मेदारी? गवर्नमेंट को ब्लेम करना छोड़ो
और खुद बदलने की कोशिश करो। आप और हमसे ही देश है, गवर्नमेंट आती जाती रहती है। कभी आपने सोचा है कि आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हो? हम क्या कर सकते हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं, तीन तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप एक बेहतर सोसाइटी आने वाली जनरेशन को दे सकते हो, और वो तीन तरीके बहुत आसान हैं। पहला, आप इग्नोर कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको इस तरीके की पोस्ट, इस तरीके के वीडियोस दिखें, आप उसे इग्नोर करके जस्ट छोड़ दीजिए, राइट? आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके लिस्ट पे कोई शेयर नहीं करेगा, ना उसे कोई देख पाएगा। तो आधा आपने उसे बैरियर लगा दिया उसके आगे बढ़ने के लिए। तो इमेजिन करिए कि अगर पूरे भारत में ऐसे लोग बैरियर लगाते चले जाएंगे तो वो हेट आगे बढ़ेगी नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप शेयर नहीं करते, इग्नोर करने के बाद आपको सेकंड चीज़ करना है कि आप शेयर मत करिए ऐसी स्पीचेस को, ऐसे पोस्ट को जो हेट स्पीचेस को आगे प्रोत्साहित करे। आप नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा उस चीज़ को। और तीसरी चीज़, आप हमारे जो इंडियन कल्चर की डाइवर्सिफाइड नेचर है, आप इसको सपोर्ट करिए। ये तीन चीज़ करने से मुझे भरोसा है कि आप एक बेहतर सोसाइटी बना पाएंगे आने वाले वक्त में, और आने वाली जनरेशन को एक गिफ्ट दे पाएंगे। मैं नहीं कहूँगा कि लास्ट में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। ये आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचना चाहिए या नहीं पहुँचना चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे कि इसे शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो आप सोचिए और सही लगे जो वही एक्शन लीजिए। अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, बिल्कुल शेयर करिए, नहीं लगता कोई बात नहीं। विद दिस आपकी इजाज़त चाहूँगा। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।